तो आज मैं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को किसी भी मॉलिक्यूल से अगर उसको रिप्लेस करता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। सपोज यहाँ पर देखो आप, अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास Fe है और CuSO4 है, तो Cu को कौन रिप्लेस कर रहा है? यहाँ पर Fe कर दे रहा है। यहाँ पर कंपाउंड क्या बन गया? FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी कोई हायर रिएक्टिव कंपाउंड लोअर रिएक्टिव कंपाउंड को रिप्लेस कर देता है तो वो क्या कहता है? मेरा FeSO4 ये मतलब बन क्या जाएगा, यहाँ पर FeSO4 और Cu बन जाएगा और ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखता, सपोज FeSO4 प्लस Cu का रिएक्शन करवाता, तो ये क्या रिएक्शन पॉसिबल थी? ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि Fe Cu को Fe रिप्लेस कर सकता है लेकिन Fe Cu को रिप्लेस नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पर Cu को Fe रिप्लेस कर सकता है लेकिन Cu Fe को रिप्लेस नहीं कर सकता है। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि जो हमारे पास आयरन है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉपर ज्यादा रिएक्टिव, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, मोर रिएक्टिव देन आयरन, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसीलिए क्या करता है, जो आयरन है, क्योंकि वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉपर कम रिएक्टिव है तो कॉपर इसको रिप्लेस नहीं कर पाता आयरन को। लेकिन यहाँ पर देखो, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है इसीलिए वो कॉपर को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर हुआ क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट को अगर क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव रहता है वो हमेशा क्या करता है? कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अगर कम रिएक्टिव किसी के साथ अटैच है और मोर रिएक्टिव किसी के साथ अटैच है और कम वाला है उसके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो वो रिएक्शन होती ही नहीं है, आया समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इट इज नोन एज दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर कोई भी लेस रिएक्टिव होगा वो मोर रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये रिएक्टिविटी कैसे करें। तो इसके लिए एक सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज। कुछ एलिमेंट्स को हम याद कर सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज मतलब कौन किसको रिप्लेस करेगा, कौन किसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर, तो चलो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके लिए कुछ एक सीरीज है, याद करने का तरीका है आपके पास, आप कैसे याद कर सकते हो। आप याद करने के लिए है यहाँ पर, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, केयरलेस जेब्रा, ठीक है। उसके बाद यहीं से अगर आप देखो, यहीं से मैं यहां स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब इसी के नीचे जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा यहां पर, ठीक है। Instead, try learning how copper saved gold. इसको क्यों करना है यार? क्योंकि हमें यहां से सारे कुछ कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे और आइडिया हो जाएगा, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। तो प्लीज P को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। P फॉर क्या होता है? पोटेशियम। P फॉर क्या होता है? पोटेशियम। और ये किससे डिनोट करते हैं? K से, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया दूसरा? सोडियम, ये Na से हो जाता है। कैल्शियम Ca से हो जाता है। मैग्नीशियम Mg से हो जाता है। A फॉर एल्यूमिनियम Al से हो जाता है, ठीक है। K फॉर कार्बन C से हो जाता है। Z फॉर जिंक
जेड से हो जाता है। आयरन Fe से हो जाता है, टिन Sn से हो जाता है, एल Pb से हो जाता है, हाइड्रोजन एस से हो जाता है, कॉपर Cu से हो जाता है, सिल्वर Ag से हो जाता है, और गोल्ड, गोल्ड क्या होता है Au। यहां पर एक रिएक्टिविटी सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज, क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। होता क्या है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर क्या याद कर सकते हैं, हम कुछ रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स याद कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो ऊपर लाई करेगा उसके ज्यादा रिएक्टिव होगा और जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है उससे। अगर मैं यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम की बात करूं तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, आया समझ में। तो पोटेशियम, अगर पोटेशियम हम कहेंगे कि कौन रिप्लेस करेगा किसको, पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, हाँ करेगा, लेकिन सोडियम पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर पाया क्योंकि वो लोअर है इससे पोटेशियम से। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो होगी नहीं होगी वो इस सीरीज पर डिपेंड करता है। लोअर वाला कभी भी हायर वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन हायर वाला लोअर वाले को हमेशा रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन को याद करने के लिए यहाँ पर हमारे पास है, याद करने की ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। आपको क्या करना है यहाँ पर, इसको याद रखना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई हाउ लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। हम यहाँ पर पी उनका सबके सबका जो पहला अल्फाबेट है उसको लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लगभग कितने याद कर लेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने 14 एलिमेंट्स को एटलीस्ट याद कर लिया कि उनका रिएक्टिविटी सीरीज वो कैसे कैसे ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो जैसे मैं आयरन को देखूं, आयरन और टिन के बीच देखूं तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, आयरन लेड से भी ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, आयरन हाइड्रोजन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आयरन हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है, आयरन कॉपर को भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता है। और ये रिएक्शन अगर ऊपर वाले ने नीचे वाले को रिप्लेस कर दिया तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, आया समझ में। अगर यहाँ पर पोटेशियम को कैल्शियम ने, पोटेशियम ने कैल्शियम को रिप्लेस कर दिया तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन कैल्शियम कभी भी पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो हम वहां पर लिखेंगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कैल्शियम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर। और इसको याद रखने के लिए आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। और उनका जो पहला लेटर है उससे हम पी फॉर पोटेशियम, एस फॉर सोडियम, सी फॉर कैल्शियम, एम फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर एल्यूमिनियम, सी फॉर कार्बन, जेड फॉर जिंक, आई फॉर आयरन, टी फॉर टिन, एल फॉर लेड, एच फॉर हाइड्रोजन, और सी फॉर कॉपर, और एस फॉर सिल्वर, और जी फॉर गोल्ड, आया था। मैं इससे हम याद कर सकते हैं, मैंने आपको उनके सिंबल्स भी दिए हुए हैं तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं इसको कि हम किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कर सकते हैं और कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हमारे पास हायर मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, लेकिन लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। पॉसिबल कहां पर होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केवल जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, ठीक है। थैंक यू।